गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास में पेज नंबर 42, 43, 44 और 45 को देखेंगे। रेफरेंस टाइम 16, 17 और ट्रेसिंग 22 एंड 23। तो जैसा कि देखिए, यहाँ पे रेफरेंस टाइम 16 में सी के बारे में हमको बताया गया है। ये हमारा कैपिटल सी और ये हमारा स्मॉल सी। तो सी फॉर क्या क्या होता है ये तो हम जानते हैं, और हम हमेशा पढ़े हुए हैं कि सी फॉर कैट, ये हम बहुत अच्छी चीज़ से जानते हैं कि सी फॉर कैट होता है। और सी फॉर और क्या क्या चीज़ होते हैं हमको ये जानना है। तो देखिए, सी फॉर होता है कैट, कैट मीन्स होती है बिल्ली, है ना। उसके बाद सी फॉर होता है चेयर, है ना, जिस पर हम बैठते हैं, है ना, उसको हम चेयर बोलते हैं, है ना। तो चेयर, CHAIR, चेयर। उसके बाद होता है सी फॉर कैमल, कैमल मीन्स होता है ऊँट। उसके बाद सी फॉर एक और थिंग्स है जिसको हम बोलते हैं कोकोनट, कोकोनट मीन्स नारियल का, नारियल को हम कोकोनट बोलते हैं, है ना। तो कैपिटल सी फॉर होता है, कैपिटल सी और स्मॉल सी के बारे में हमको जानना है, जिसमें से सी फॉर होता है कैट, सी फॉर होता है चेयर, सी फॉर होता है कैमल और सी फॉर होता है कोकोनट, है ना। तो अब हम कैपिटल सी और स्मॉल सी कैसे लिखते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो कैपिटल सी लिखने के लिए 1, 2, 3, 4 फोर लाइन है, हमको फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक एक हाफ कर्व करना है। ये हो गया हमारा कैपिटल सी, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक हाफ कर्व करना है, ये हमारा हो गया कैपिटल सी। वैसे ही स्मॉल सी लिखने के लिए हमको सेम वही प्रोसीजर, लेकिन हमको फर्स्ट लाइन में ना जाकर सेकेंड और थर्ड लाइन में हाफ कर्व कर देना है, और ये हमारा बन जाता है स्मॉल सी। वैसे ही इसकी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ बुक में हमको ट्रेसिंग 22 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, हमको अलग से जगह दी हुई है कैपिटल सी और स्मॉल सी की प्रैक्टिस करने के लिए, जिसकी प्रैक्टिस आपके पास बुक है तो आप अपने घर में कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम रेफरेंस टाइम 17 देखते हैं। तो सी के बाद रेफरेंस टाइम 17 में दिया हुआ है ओ के बारे में, है ना। तो ओ के बारे में हम अधिकतर जानते हैं, ओ मीन्स होता है आउल, आउल मीन्स होता है उल्लू। तो हम यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल ओ के बारे में जानेंगे और उसको लिखना सीखेंगे। तो ओ फॉर होता है ओल्ड मैन, ओल्ड मीन्स होता है बुजुर्ग व्यक्ति, है ना। और ओ फॉर और क्या होता है, ओ फॉर होता है ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स होता है संतरा। और ओ फॉर होता है आउल, आउल मीन्स होता है उल्लू। और लास्ट जो है ओ फॉर होता है ओनियन, ओनियन मीन्स होता है प्याज। तो हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे ओ फॉर होता है ओल्ड मैन मीन्स बुजुर्ग व्यक्ति, ऑरेंज मीन्स संतरा, ऑल मीन्स उल्लू और ओनियन मीन्स प्याज। तो देखिए, यहाँ पे कैपिटल ओ और स्मॉल ओ को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हमको बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4 फोर लाइन दिए हुए हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक हमको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल ओ, एक सर्कल ड्रॉ कर देना, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल ओ। और उसके बाद स्मॉल ओ बनाने के लिए सेम थर्ड, सेकेंड और थर्ड लाइन में एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल ओ। तो ऐसी ही ट्रेसिंग टाइम 23 में दिया हुआ है, जिसमें हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास बुक है। तो थैंक यू।